हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे ये चंपा के बारे में बात करूंगी, जिसको इंग्लिश में प्लूमेरिया भी बोलते हैं। देखिए, काफ़ी सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं और इसमें कई कलर ऑफ वैरायटी भी आती हैं। जैसे मेरे पास ये तीन प्लांट हैं और ये इतना बड़ा मेरा एक ही प्लांट है फ्रेंड्स, और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो मेरा ये प्लांट करीब 2.5 साल का हो गया, ये देखिए। तो जैसे कि मेरे पास ये वाइट कलर में हैं सभी, और इसमें एक रेड भी आता है, तो काफ़ी सुंदर लगता है रेड कलर भी देखने में। तो इस समय इसमें खूब ब्लूमिंग हो रही है, काफ़ी दिनों से इसमें ब्लूमिंग हो रही है। तो ये देखिए, बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स देखने में, और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। कटिंग से आसानी से लग जाता है फ्रेंड्स। आप भी इस समय आप इसको कटिंग से लगा सकते हो। मैंने भी इसको कटिंग से लगाया था, दो प्लांट और हैं उनको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी सॉइल के बारे में, इसकी वाटरिंग के बारे में, और इसकी प्लेस के बारे में, और फर्टिलाइज़र के भी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। तो मिट्टी हमें इसकी वेल्डन मिट्टी तैयार करनी है, जैसे पॉट में, जैसे 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल, ऐसे ही हमारी वेल्डन मिट्टी तैयार होती है। ये देखिए, करीब मेरा ये 14 या 15 इंची का पॉट होगा। तो मैंने काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है मेरा, ये कटिंग से लगाया था, तब तो मेरा ये छोटा था, छोटे पॉट में लगा हुआ था। अब मैंने इसको बड़े पॉट में लगाया, इसको भी इस पॉट में लगे हुए 1 या 1.5 साल हो गई। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसे इसकी वेल्डन मिट्टी तैयार करनी है, और वाटरिंग फ्रेंड्स हमें समर में इसमें डेली वाटरिंग करनी है। और इस समय तो जैसे रेनी सीजन है, कभी कभार बारिश भी हो जाती है। तो देख लें आप इसकी मिट्टी, टॉपिकर चेक कर लें, जैसे देखिए मेरी बिल्कुल पोरस मिट्टी है, बहुत ही अच्छी मैंने इसमें वेल्डन मिट्टी बनाई है इसकी। तो अभी थोड़ा सा मॉइस्चर है मेरी मिट्टी में, तो मैं देखती हूँ, पानी दूंगी थोड़ा सा ही। तो फ्रेंड्स, देख लें आप मिट्टी को, चेक कर लें, अगर मिट्टी गीली है तो फिर पानी ना दें, नेक्स्ट डे दें पानी। और फ्रेंड्स, इसकी हम सनलाइट की बात कर लेते हैं, तो करीब इसको 5 या 6 घंटे की सनलाइट में रखें आप, फुल सनलाइट दें। जब ज़्यादा, वैसे तो ये समर का ही, समर फ्लावरिंग प्लांट है, जब ज़्यादा लू चलती हैं तब आप इसको थोड़ा सा ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। तो उस समय आप इसको ऐसी जगह भी रखते हैं जहाँ हाफ डे सनलाइट आती रहे। और इस समय रेनी सीजन है, तो मेरा तो ये टेरेस गार्डन पर फुल सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है। इस समय ये खूब ब्लूमिंग करता है, ये समर और रेनी सीजन में इसमें खूब भर भर के फूल आते हैं फ्रेंड्स। मेरे उन दोनों प्लांट में भी खूब फूल आए थे, लेकिन इस समय वो झड़ गए हैं फूल, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स। ये मेरे पास रेड कलर नहीं है इसमें, मैं मुझे वो नर्सरी में नहीं मिला, मैं दूर से आपको इस प्लांट को दिखाती हूँ। ये देखिए, तो वो अगर मुझे मिलेगा रेड कलर वाला, तो मैं उसको भी लेके आऊँगी। ये एक नॉर्मल वेराइटी है फ्रेंड्स, तो इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है ये, कैसी भी मिट्टी हो उसमें आसानी से चल जाता है। या आप अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं, तो रोड साइड भी आपको लगे हुए मिलेंगे, क्योंकि इनको ना तो गाय जानवर खाते नहीं हैं इनको, तो वहाँ भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग आसानी से लग जाती है फ्रेंड्स। तो मैंने भी इसको कटिंग से ही ग्रो किया है। और अब इसकी फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ मैं इसको, एक डेढ़ महीने में 1-2 मुट्ठी के करीब। और इस प्लांट को फास्फोरस ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस की, तो मैं इसमें 2 या 3 चम्मच बोन मील भी दे देती हूँ, तो तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये प्लांट।
उसे इसकी जो फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है बोन मील के द्वारा। और बस ये ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। और फ्रेंड्स, इसकी जो ये स्टॉक निकली रहती है, आप इस स्टॉक को कभी हटाएं नहीं, अपने आप ही ये हट जाती है सूखने के बाद। जब पूरा ये फ्लावर खिल जाएंगे, ये बंच वाले जो बने हुए हैं ये वाले, तो ये अपने आप ही सूखने के बाद हट जाएगी। उसको क्या होता है, कई बार हम अगर इसको हटा देते हैं तो फिर हमारा प्लांट को शॉक लग जाता है, तो वो फ्लावरिंग नहीं करता है। ये देखिए अभी और ब्रांच पे, तो मेरे पे किसी पे भी स्टॉक नहीं आई है। कभी कभार इसके पत्तों में फंगस का अटैक भी हो जाता है, जो धब्बे से लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप इस पर नीम ऑयल की स्प्रे भी कर सकते हैं, या किसी फंगीसाइड की स्प्रे कर दें आप, तो उससे ये नीम ऑयल की स्प्रे कभी कभार भी कर दें 10-15 दिन में। बाकी प्लांट्स में करें तो इस पर भी कर दें। वैसे तो जो इसकी लीव्स में जो लग जाता है, इसको इसके लिए आप फंगीसाइड की स्प्रे करते रहें बीच बीच में, तो काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियां देखने में भी होती हैं। एक ये वाला मेरा, ये वाली जो वैरायटी है इसमें ये गोल पत्तियां हैं, और एक और है मेरे पास उसमें आगे से नोकदार पत्तियां हैं, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ऐसे हमें इसको फर्टिलाइजर देना है, और फुल सनलाइट में आप इसको रखें तो खूब अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। फुल सनलाइट में आप इसको रखोगे तो, और वाटरिंग का भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। आपका पौधा अगर छोटा है तो उसको छोटे पॉट में लगाएं, अगर आपका पौधा ये बड़ा है तो आप उसके लिए बड़ा ही गमला चूज करें, बड़े पॉट में ही उसको लगाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी प्लांट दिखाती हूँ अपने। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेरी ये आगे से नोकदार पत्तियाँ हैं, ये देखिए ऐसे। और ये भी काफ़ी बड़ा प्लांट है, मैंने इसको भी कटिंग से ग्रो किया था, मैं कटिंग लेके आई थी। और ये देखिए, ये मैंने ये जो पानी की कैन होती है उसमें लगाया है, ये देखिए। और एक और भी है, उसको भी दिखाती हूँ। एक मेरा ये प्लांट है फ्रेंड्स, और इसकी भी पत्तियाँ गोल हैं, जो मैंने अभी आप शुरू में आपको दिखाया था उसकी भी गोल थी, तो इसकी भी गोल हैं। इसमें फ्लावरिंग, खूब फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस समय नहीं हो रही है, मैं उस समय वीडियो नहीं बना पाई। तो ये देखिए, और मेरा ये वाला जो प्लांट है, वो लगता है उसकी रूट वाउंडिंग हो गई है, तो इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं, ये देखिए। तो मैं इसको बड़े गमले में लगाऊंगी। अभी मैंने इसमें सीमेंट के पॉट में लगाया, जो कि मैंने खुद ही DIY किया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।